एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया व इंद्री पुलिस प्रशासन द्वारा थाना प्रांगण में पौधारोपण करके पर्यावरण का संदेश दिया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने फलदार पौधे रोपित किए। इस अवसर पर थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में जिस प्रकार पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, उसको लेकर केवल पेड़ पौधे लगाकर ही दूर किया जा सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि हर इंसान को एक पौधा जिंदगी में जरूर लगाना चाहिए, और पौधा लगाना ही नहीं चाहिए, उसको बड़ा भी करना चाहिए। उसको पौधा जब तक पेड़ नहीं बन जाता, जब तक उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस अवसर पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के प्रभारी सचिन सांडेलिया ने कहा कि इंद्री पुलिस प्रशासन समाज सेवा के अच्छे कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वहीं उन्होंने कहा कि हमें पौधारोपण करते समय उनकी देखभाल करने की भी शपथ लेनी चाहिए। आज एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया द्वारा व पुलिस प्रशासन द्वारा इंद्री पुलिस स्टेशन में पौधारोपण किया गया, जिनका शुभारंभ SHO श्री सतपाल कुमार जी द्वारा किया गया, जिनका फ्रंट आभार व्यक्त करता है। वहीं पुलिस प्रशासन ने एक अच्छा संदेश दिया है। पुलिस प्रशासन कोरोना जैसी महामारी भी तो हमारे साथ खड़ा है, वहीं उन्होंने एक जमीनी स्तर का कार्य करके एक संदेश दिया है कि हम सबको अपने जीवन में 10-10 वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए और पर्यावरण को सुंदर बनाना चाहिए। SHO श्री सतपाल जी हमारे साथ गौण सेवा मत दिल से खड़े हैं, और उनसे अलग भी वो समाज सेवा के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपको बता दें कि गौरक्षा दल बेसहारा व घायल पशु के इलाज के साथ साथ समय समय पर समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता रहता है। इसी के तहत दल के सदस्यों द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, RT भारत।